अगली खबर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मऊगंज विधानसभा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सेवा सप्ताह पखवाड़े में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत केंद्र और राज्य की कुल 32 योजनाओं पर फोकस करने को कहा गया है। 17 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इस अवसर पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा हनुमना जनपद की ग्राम पंचायत पटेहरा में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान हनुमना SDM AK सिंह, जनपद CEO, सरपंच समेत काफी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर नगर परिषद मऊगंज में भी सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाया गया, जहां 10 को स्वरोजगार योजना के तहत ऋण वितरित, स्वनिधि अंतर्गत 40, गल्ला पर्ची 30 व 5, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, संबल और आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया गया। समारोह पूर्वक आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल ने बताया कि कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे अभियान के तहत उनके वार्ड में केंद्र व राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं से अछूता कोई भी हितग्राही नहीं बचना चाहिए। कर्मचारियों को बकायदा यह प्रमाणित करने को कहा गया है कि उनके जोन में अब कोई हितग्राही नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए वार्ड स्तर पर मुनादी करवाकर लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड के बाद जोन अधिकारियों को सबसे ज्यादा फोकस संबल योजना पर करने को कहा गया है। उधर मऊगंज भाजपा के द्वारा सिविल अस्पताल मऊगंज में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया और भाजपा के और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हेलो, हाँ हाँ, अरे मिट्टी नहीं थी, मिट्टी में फूटे। ये घास गर्मी के दिनों में तो सूख जाता है। हाँ, सूख जाता है। इसको कटवा के सराज नगर पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया था, तो इसका क्या उद्देश्य था? आज जो जन सेवा शिविर का उद्देश्य मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया और पूरा सप्ताह है सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जाएगा और जो लोग छूट गए हैं उनके भी आवेदन लेकर उनका निराकरण किया जाएगा। आज स्वरोजगार के अंतर्गत 10 लोगों को लोन वितरण किया गया है। स्वनिधि के अंदर लगभग 40 लोगों को वितरण पत्र दिया गया और गल्ला पर्ची 20 लोगों को वितरण की गई और अन्य जो पेंशन के फार्म और अन्य जो योजनाओं के फार्म लिए जा रहे हैं और संबल कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। सर, यहाँ से जो लोन पास होते हैं क्या बैंक उनको लोन दे देती है? सर, क्या देती है लोन देती है। अभी 10 लोगों को लोन दिया है, अभी वर्तमान में 25 लाख के 3 लोगों को लोन दिया है उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत। जी, बैंक सर में कोई मतलब ये तो नहीं बोलते थी लोन यहाँ से पास नहीं होगा, ऐसी कोई समस्या तो नहीं आती सर? भाई, हितग्राही के डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड जो सही होता है दस्तावेज, तो निश्चित तौर पर हमें लोन बैंक वाले देते हैं। सर, ये कब तक योजना चलेगी? सर, योजना ये 31 अक्टूबर तक सारी योजनाओं के फॉर्म लिए जाएंगे, पेंशन के सारे योजनाओं के फॉर्म। सर, क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शासन की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, नगर पालिका में आए, संबल बनवाए, गल्ला पर्ची बनवाएं, आयुष्मान कार्ड बनवाएं, पेंशन के फार्म भरवाएं, लोन के फार्म भरवाएं, सारी योजनाओं का काम नगर पालिका में हमारे कर्मचारी फार्म ले रहे हैं और उनको लाभ दिया जा रहा है।